एक और समस्या राणा जी, राणा जी वो देखिए, 1 लाख की संख्या में मुगल सिपाही हमारी ओर ही आ रहे हैं। अरे सेना के मुख्य सेनापति हैं आपके छोटे भाई, भाई शक्ति शक्ति से आपके कई राजपूत राजाओं ने हल्दी घाटी की जंग के इस आखिरी मरहले में हमारा साथ और हमारे साथ जंग में शामिल होने की पेशकश की है, जिसमें हमारे साथ दोस्ती और ताऊन का पैगाम भी भेजा है, कई पनी फौजें भी भेजी। इस ताकत को मिलाकर देखा जाए तो एक घायल प्रताप ही क्या, इस जैसे 100 प्रतापों को शिकस्त करने की ताकत रखती है। हमारे ख्याल से अपनी वफादारी दिखाने का आज तुम्हारे पास एक नायाब मौका दरपेश है, जिसमें फैसला लेने पर हमारी तरफ से तो कई फायदे दिलवाएगा ही और तवारीख के पन्नों पर दर्ज भी करवा सकता है। तो बोलो, प्रताप पे इस आखिरी हमले वाली फौज की कमान को लेने के लिए तैयार हो तो? हम तैयार हैं, तैयार हैं। इस समय युद्ध भूमि की जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसे हमारी विशाल और शक्तिशाली सेना के लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये विजय तो अब होकर रहेगी। हमारे सभी सेनापतियों और सिपाहियों से ये आग्रह है कि विजय पथ पर चलते समय विरोचित गरिमा का पालन किया जाए, हारते हुए राजपूत सैनिकों को कम से कम पीड़ा वाली मृत्यु दी जाए। पर हुकुम, आप किसके साथ लोहा लेंगे इस रण क्षेत्र में? हम सामना करेंगे महाराणा प्रताप का। राणा जी, आपको सुरक्षित मार्ग लेके यहाँ से निकल जाना होगा। हम एक योद्धा हैं। आप चाहते हैं कि हम युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाएं? परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए। राणा जी कुंवर जगमाल ने मुगल सेना के साथ उदयपुर पे आक्रमण कर दिया है। वहाँ हमारे पास केवल मुट्ठी भर सैनिक हैं, मुट्ठी भर। रानी सा है, अमर सिंह है और उनके साथ उदयपुर की समस्त स्त्रियां। आपको वहां जाना होगा, समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए आपको वहां जाना होगा राणा जी, इसी क्षण। बस आचार्य जी बस, आप चाहते हैं कि राणा प्रताप सिंह अपने विश्वस्त सामंतों, अपने हितैषी मित्रों, अपनी समस्त सेना को छोड़कर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए, ताकि इतिहास जो है राणा प्रताप सिंह को देशद्रोही और कायर कहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाए कि जीवन भर जिस राणा प्रताप सिंह ने देश की बातें की, देश को बचाने की बातें की, मातृभूमि की बातें की, वो वास्तव में कायर था। आपने हमें सदैव बताया कि हमें अपनी अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, और आप आज हमें कह रहे हैं कि हम इस भर्ती को छोड़कर चले जाएं उन मुगलों के हाथों। नहीं आचार्य जी, हम चित्तौड़ के इतिहास को नहीं दोहराएंगे। आज हल्दी घाटी की इस पावन मिट्टी या तो मुगलों की रक्त से रंजित होगी या फिर राणा प्रताप सिंह के रक्त से सराबोर। राणा जी, केवल आप ही ऐसे योद्धा हैं जिस पर लोगों को आस है। लोगों को लगता है कि जब तक आप जीवित है तब तक उनका सपना जीवित है, समस्त भारत को एकजुट करने का सपना, समस्त भारत की एकता का सपना, समस्त भारत की अखंडता का सपना, समस्त भारत पर हिंदू राज का सपना। खमागड़ी राणा जी, जगमाल ने मुगल सैनिक टुकड़ी की सहायता से उदयपुर के प्रमुख द्वार पर आक्रमण कर दिया। महारानी फूल कुंवर भाईसा, अमर सिंह जी और चक्रपाणी उनसे मोर्चा संभाले हुए। राणा जी, अब जाइए यहाँ से, आपको इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। मुगल सेना हमारी ओर तत्पर बढ़ती जा रही है, हमारे पास समय बहुत कम है। राणा जी, क्या चाहते हैं आप? कि आप राजपूती मर्यादा के कारण अमर सिंह जी के प्राणों को संकट में डाल दें? राजपूती मर्यादा के कारण मेवाड़ के राज घराने की आन बान शान को, उसके भविष्य को मिट्टी में मिला देंगे आप? क्या चाहते हैं राणा जी कि पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों स्त्रियां जौहर करें? क्या चाहते हैं राणा जी? यदि स्त्रियों ने अपने प्राण दिए तो उनकी हत्या के जिम्मेदार होंगे आप, केवल आप राणा जी, केवल आप। आपको यहां से निकलना होगा राणा जी, इसी क्षण आपको यहां से निकलना होगा। सब कहते हैं हम आप जैसे दिखते हैं राणा जी, तो बस निभाने दीजिए हमें हमारा कर्तव्य। जीवन भर आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, तो बस एक बार आज वो आपके निमित्त करके हमें हो जाने दीजिए मेवाड़ के लिए अमर।
जाइए राणा जी, आप जाइए यहाँ से। अब आपका स्थान झाला जी लेंगे। क्यों झाला जी? चिंता मत कीजिए भाई, शहंशाह के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हमारे साथ हैं, अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको। सब लोग तीर छोड़िए। नहीं क्षण इधर विजय, क्षण उधर विजय, कोई प्यार घर आ रहा, कोई था बिकल कर रहा। लोहू से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। पूरी रणभूमि जानती है कि राणा जी के बाएं हाथ पे गहरा गांव है। राणा तक चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया। छाला ने राणा रक्षा की, रख दिया देश के पानी को। वो देखो प्रताप, हमला करो उस पे, बच के नहीं जाना चाहिए। साथ साथ अपनी अमर कहानी को, जय मेवाड़, जय मेवाड़। छोड़ दो उसे, मार डालो प्रताप को। देखो प्रताप तुम हो रहा। या खुदा, मतलब हमारी फौज जिसे असली प्रताप समझ रही थी वो कोई और है, असली प्रताप तो वो रहा। मतलब हमारी फौज तो खामखा अपना वक्त जाया कर रही है। जब हम दोनों ने देख लिया इसे तो कैसे बच के जाएगा ये? पीछे करो उसका। चलो चलो। हिंसा को मार ढाला प्रताप को। चेतक और तेज, चेतक और तेज, हिम्मत मत हारिए, हमें शीघ्र ही उदयपुर पहुंचना है। चलिए चेतक। चेतक, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पार कर पाएंगे। चलिए चलिए चेतक। चलिए चेतक। तब तक चेतक मुड़ जाता था।
ठीक तो है ना चेतक? अब ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को, कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को। क्या बात है चेतक? नहीं हो सकता आपको, आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक। आपने तो वचन दिया कि आप हमारा साथ देंगे, हर पग पर आप हमारा साथ देंगे। आप हमारे प्रिय मित्र हैं चेतक। आप, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक। चेतक हमसे बात कीजिए चेतक। चेतक आपने वचन दिया था हमारा साथ देंगे, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते चेतक। आप हमें छोड़कर नहीं, उठिए चेतक, उठिए, उठिए चेतक, उठिए चेतक, उठिए। हमें ऐसा शो नहीं चलना चाहिए जो हिन हिना के नखरे दिखाए दिखा। माना कि बहुत हट्टा कट्टर कसीला हिला है और नखरे कुछ अधिक दिखा के दिखा रहा है। आपसे अच्छा मित्र तो शायद ही कोई हो सकता है। हम आपको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। आज हम आपको एक नया नाम देते हैं। इतिहास आपको चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा। और जोर से मारिए, और जोर से। हाँ मर्सी जी, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा, कुछ आवश्यक बात करनी है हमें आपसे। क्या बात है छोटी माँ? हतिघाटी से दुखद समाचार है, आपके दादाजी रहा। नहीं नहीं छोटी माँ, ये उन मुगलों ने अफवाह फैलाई रखी है। नहीं अमर सिंह जी, इस बार उनका कहना है कि ये अफवाह नहीं है। मित्रता का आपने एक बहुत ही अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रभु आपकी आत्मा को शांति दे। आपके बिना सदैव अधूरे रहेंगे चेतक। क्यों चले गए हमें छोड़कर आप? समझ जाना चाहिए था
कि तुम खुद प्रताप को अपने हाथों से मारना चाहोगे। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलिए यह हक हम आपको अदा फरमाते हैं, संभालिए अपना शिकार। आप दोनों चुपचाप यहां से चले जाइए और इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हो तुम? हमारे पास हुक्म है प्रताप को मारने का, और आपको याद दिला दें कि आपको भी प्रताप को मारने का ही हुक्म दिया गया है। हम अपना आदेश दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप दोनों चुपचाप यहां से लौट जाइए। गद्दार, मुगल फौज के सिपा सलार बन जाने के बावजूद भी मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन को बचा रहे हो। दुश्मन नहीं भाई है वो हमारे, और एक सच्चा राजपूत कभी भी एक राष्ट्रभक्त का दुश्मन नहीं हो सकता। और शक्ति सिंह ने मुगलों से हाथ मुगलों की ताकत को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तुम मुगलों को मिटाने के लिए मिलाया था। गद्दार! हमें पूर्ण विश्वास था कि आप लौट आएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप एक सच्चे राजपूत हैं, एक सच्चे राजपूत। उस मुगल का साथ देना और अपने बड़े भाई पर तलवार उठाना दो अलग अलग बातें हैं। हमसे एक भूल नहीं, बहुत सारी भूलें हुई हैं दादा भाई। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि किस किस भूल की क्षमा मांगे हम आपसे। लेकिन आप घबराइए मत, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तो चेतक भी हमें छोड़कर चला गया। दादा भाई, जब तक आप जीवित है, हर आस जीवित है, हमारी, आपकी, समस्त मेवाड़ की। दादा भाई, जब तक आप जीवित है, हम हार नहीं सकते। दादा भाई, इससे पहले कि कोई और मुगल यहां आ जाए, आप यहां से निकल जाइए। ये लीजिए हमारा घोड़ा, घटक नाम है इसका। दादा भाई, हम सबको आपकी आवश्यकता है, हमारे पास समय बहुत कम है। आप यहां से जाइए, हम आपको बाद में मिलते हैं। जय मेवाड़। जय मेवाड़।